जय हिंद दोस्तों, अगर आपके पास बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, स्कूटी है, कोई भी गाड़ी है, तो आप जानते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस रहना अनिवार्य है। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस आपका नहीं रहता है तो उस पर बहुत भारी चालान है, साथ में सज़ा का भी प्रावधान है। ऐसे तो सज़ा बहुत ही क्रिटिकल केस में होता है, अगर इंश्योरेंस नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उस परिस्थिति में आपको सज़ा और जुर्माना दोनों होता है। लेकिन इंश्योरेंस फेल है और आप पकड़े जाते हैं तो आपको फिर जुर्माना, बहुत भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। सभी स्टेट का अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। ऐसे नेशनल लेवल पर भी अभी पूरा जो देश में चालान करता है वो भी बहुत भारी चालान करता है। तो इससे बचने के लिए आपको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है, इससे बचने के लिए और अपना सेफ्टी के लिए भी। ये नहीं कि सिर्फ बचने के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए, ट्रैफिक वालों से बचने के लिए, अपना सेफ्टी के लिए भी और रोड पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके सेफ्टी के लिए भी आपके गाड़ी का इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंश्योरेंस ज़रूरी रहता है, लेकिन इंश्योरेंस जब आपके गाड़ी का होता है, चाहे नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, तो इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है आपने सुना होगा कि इसमें जब इंश्योरेंस कराने जाते हैं, नई गाड़ी में तो करके मिलता है, लेकिन जब पुरानी हो जाती है, एक साल पुराना, दो साल पुराना, तो आपको खुद इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो जो कराने जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इस चीज़ को समझिए, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे फिर आप बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, आप बहुत दिक्कत में आ सकते हैं, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले समझिए, बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई कानूनी पेच नहीं रहेगा इसमें, कोई भी कुछ हिडन नहीं रहेगा। मैं क्लियर एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि कम पढ़े लिखे लोग हो या फिर अनपढ़ लोग हो, वो लोग भी समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जब इंश्योरेंस आप गाड़ी का कराते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एजेंट के पास जाते हैं या फिर एजेंसी में जाते हैं और बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस करना है, तो आपको जो इंश्योरेंस बताया जाता है तो आपको कोई कोई इंश्योरेंस बहुत महंगा लगता होगा, कोई कोई इंश्योरेंस उससे बहुत सस्ता रहता है। मतलब दोनों में हज़ार हज़ार का डिफरेंस रहता है, 1000 रुपये का, 1500 का, 2000 का भी डिफरेंस हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि ये इंश्योरेंस बहुत महंगा है, ये इंश्योरेंस बहुत सस्ता है, अलग अलग कंपनी का भी रहता है, लोग कंपेयर करते हैं कि ये बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है। लेकिन महंगा सस्ता के बीच भी एक झोल रहता है, जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब समझिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है गाड़ी का, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। पहले समझिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम उसे कहते हैं, जैसे कि आपने अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, कार का इंश्योरेंस कराया, या फिर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कराया, स्कूटी का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस जो कराते हैं आप, पैसा उसमें थोड़ा कम लगता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से थोड़ा पैसा कम लगता है, 500, 1000, 2000 कम आपको लगेगा। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो फर्स्ट पार्टी आप हो जाते हैं, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है, और थर्ड पार्टी कौन होता है, जो सामने रोड पर चलता हुआ व्यक्ति, मतलब आपके गाड़ी से जिसकी टक्कर लगती है, चाहे आप किसी गाड़ी में टक्कर मारते हैं, किसी व्यक्ति को टक्कर मारते हैं, किसी सामान को टक्कर मारते हैं, जिसको आप नुकसान पहुँचाते हैं, वो जाता है थर्ड पार्टी। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसलिए कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कराते हैं और आप गाड़ी से कहीं जाते रहते हैं, अगर ट्रैफिक वाला आपको रोकता है, आपका पेपर देखता है, आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी रहता है, तो वो वैलिड है, आपका चालान नहीं होगा, चालान नहीं होगा। लेकिन ये नुकसान कब देगा आपको, कि आप रोड में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से किसी की गाड़ी ठुक गई, आपके गाड़ी को भी नुकसान हुआ, अगले के गाड़ी को भी नुकसान हुआ। लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आएगी, इंश्योरेंस लेने की बारी आएगी, तो उस समय आपकी गाड़ी को कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आपको भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम किसे मिलेगा, जिसकी गाड़ी को आपने ठोका या फिर जिस व्यक्ति को आपने ठोका, उसका नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब थर्ड पार्टी को करेगी। क्लेम करेंगे, उसका नुकसान का भरपाई होगा, आपको कुछ नहीं मिलने का है। तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, ये सस्ता सुविधा में हो जाता है, ये वैलिड है, और इस पर चालान किसी प्रकार का आपका नहीं होता है। तो लोग चालान से बचने के लिए, थोड़ा सस्ता सुविधा के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि उसमें न उनका इंश्योरेंस रहता है, न उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, यह थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस रहता है। सिर्फ आपको पुलिस से बचने के लिए, ट्रैफिक वालों से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए लोग कराते हैं, और जब किसी का नुकसान होता है तो उसका भरपाई तो हो जाता है, उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है, आपका किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं मिलता। तो सिर्फ थोड़ा सा सस्ता के वजह से आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना कराएं, सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना कराएं।
अब बताता हूँ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा है तो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हम उसे कहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा आपका ज़्यादा लगता है, बट होता क्या है उसमें आपका भी इंश्योरेंस रहता है, खुद सेल्फ आपका भी इंश्योरेंस रहता है, आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस रहता है, और रोड पर जो व्यक्ति चल रहे हैं जिसको आपने नुकसान किया है या फिर करेंगे या फिर आपकी गाड़ी से लग के हो जाएगा वो व्यक्ति का भी इंश्योरेंस रहता है, मतलब तीनों का इंश्योरेंस कवर करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी की टक्कर लग गई, आपका भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ, व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब क्या है, क्लेम करने पर उसके गाड़ी के नुकसान की भी भरपाई होगी, आपके गाड़ी के भी नुकसान की भरपाई होगी, अगर उसके गाड़ी का इंश्योरेंस है तो उसका भी अपना भरपाई हो जाएगी, लेकिन इंश्योरेंस ना भी है उसके गाड़ी का, चाहे है नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके इंश्योरेंस से कवर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का खुद का इंश्योरेंस रहता है इसलिए कवर करा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का रहता है। इसके अलावा आपको कोई क्षति होती है तो भी इंश्योरेंस कवर करता है। अब बता रहा हूँ आपको कि आप रोड पर जा रहे हैं और गाड़ी को नहीं लगता, किसी व्यक्ति को लग जाता है, किसी व्यक्ति को टुक ठोकर लग जाता है और आपकी भी गाड़ी पलट जाती है, कहीं ठुक जाता है, आपको भी नुकसान होता है, आपकी गाड़ी को भी नुकसान होता है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है, चाहे वो थर्ड पार्टी की मृत्यु हो, जैसे रोड पे चलने वाले व्यक्ति की हो, या आपसे टक्कर लगने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई बाइक वाले की आपसे लग के मृत्यु हो जाए, या फिर आपके गाड़ी में किसी की कुछ हो जाए, मतलब किसमें सारे कवर होते हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में सारे कवर होते हैं, आपका होता है, आपके गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी होता है, अगर फाइव सीटर गाड़ी है तो पाँचों लोगों का इंश्योरेंस चलता रहता है, लेकिन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, सामने जो व्यक्ति टकराता है उसका इंश्योरेंस रहता है, मतलब सारे इंश्योरेंस कवर करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में, इसीलिए थोड़ा बहुत महंगा ही हो लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको लेना जरूरी होता है। अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी का चक्कर है, तो अगर मुझे लगे कि सिर्फ थर्ड पार्टी कराना है या फिर फर्स्ट पार्टी कराना है, तो ऐसा कुछ है कानून नियम की ये नहीं कराना है, ये कराना है, ये ट्रैफिक वाला कोई दिक्कत दे सकता है? पर मैं बार बार बताया हूँ आपको, कई बार बताया हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से दोनों वैलिड है, बस ये आपके सेफ्टी के लिए है। फर्स्ट पार्टी कराएंगे तो आपका सेफ्टी होगा, आपकी गाड़ी की सेफ्टी होगी, आपके गाड़ी में जो बैठे हैं उसकी सेफ्टी होगी, थर्ड पार्टी कराएंगे तो अगले की सेफ्टी होगी, सिर्फ पुलिस वाले से बचने के लिए, ट्रैफिक वाले से बचने के लिए काम आ सकता है, लेकिन एक्सीडेंट जब होगा, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो अगले की सेफ्टी होगी, आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब नई गाड़ी लेने जाते हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कोई भी गाड़ी, तो आपको एक साल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करके दिया जाता है, जिसमें आपका गाड़ी का भी कवर रहता है, आपका भी कवर रहता है और सामने वाले का भी कवर रहता है, तो उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। लेकिन जब फेल हो जाता है एक साल बाद, दो साल बाद, अब तो कोई कोई कंपनी दो दो साल का इंश्योरेंस देने लगी है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दो दो साल का दे देती है, लेकिन कोई कोई कंपनी 5 साल का भी दे रही है नई गाड़ी पे। आपने देखा होगा अभी जो बाइक आप लेते हैं या फिर आप कार लेंगे तो 5 साल या 3 साल आपको बताया जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है रहता है वो 1 साल का इसमें कवर रहता है, 2 साल आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बचता है, तो आपको हर साल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस उसमें ऐड कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं तो पुलिस से बच सकते हैं, ट्रैफिक से बच सकते हैं, 3 साल चलेगा, 5 साल का है तो 5 साल चलेगा, लेकिन वो सेफ्टी में काम नहीं आएगा। इसीलिए आप ये ना समझे कि 5 साल का इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो 5 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है मेरा भी कवर करेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, मतलब कि आपकी गाड़ी पुलिस चलान नहीं कर सकती है, ट्रैफिक पुलिस आपको चलान नहीं कर सकती है या फिर पुलिस चलान नहीं कर सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सेफ्टी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हर साल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते रहे। अगर नहीं है तो देख ले, एक बार चेक कर ले, कभी भी गाड़ी नहीं लेते हैं तो एक बार पेपर जरूर चेक करें और ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हैं, रोड में चला रहे हैं, आपको भी थोड़ा खतरा रहता है, अगले को भी खतरा रहता है, आपके गाड़ी को भी खतरा रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बहुत ही आसान भाषा में, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है जो हर कोई समझ सकता है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है। अब इसमें हो सकता है कि कुछ भूल गया हो, कुछ छूट गया है, नहीं बता पाया हूँ, मुझे याद नहीं रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जब अपनी बात रखेंगे मैं फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबाइए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।